नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शेयर मार्केट टुडे। आज हम बात करने वाले हैं रिस्क की। रिस्क एक ऐसा फैक्टर है जो लाइफ में हर पग पर हमारे सामने होता है, पर कुछ समय कुछ सिचुएशंस में हमें दिखाई देता है और कुछ सिचुएशंस में हम इसे अवॉइड कर देते हैं। बचपन से स्टार्ट कीजिए। जब आप अपना सबसे पहला स्टेप लेते हैं, सबसे पहले चलना शुरू करते हैं, तो आपको गिरने का खतरा होता है, दैट इज रिस्क। जब आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आपको फेलियर का खतरा होता है, दैट इज रिस्क। जब आप स्कूल से कॉलेज जाते हैं तो आपको खतरा होता है कि आप वहां जो सीखना चाहते हैं वो सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे, दैट इज रिस्क। लाइफ में जब भी आप कुछ अचीव करना चाहते हैं और उसके लिए कोई भी प्लान बनाते हैं तो वो प्लान होने का खतरा हमेशा बना रहता है, एंड दैट इज रिस्क इन अवर लाइफ्स। सो व्हाट इज रिस्क? रिस्क इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटी अबाउट द इफेक्ट्स एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ एन एक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन वैल्यू सच एज हेल्थ, वेल्थ, प्रॉपर्टी, एनवायरमेंट एंड इमोशनल। सो रिस्क आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इट डजंट मीन कि रिस्क सिर्फ फाइनेंशियल रिस्क ही होता है, रिस्क आपकी हेल्थ का भी हो सकता है। आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको एक्सीडेंट का रिस्क रहता है, आप रोड पर पैदल चल रहे हैं तो कोई दूसरा आपको आकर टक्कर मार सकता है, उसका रिस्क रहता है। आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉस का रिस्क रहता है। आप कोई रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं तो हर्ट ब्रोकन का, रिलेशनशिप में धोखा मिलने का रिस्क रहता है। तो लाइफ में जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, रिस्क फैक्टर हर जगह हमारे सामने होता है, पर बहुत बार हम इसको अवॉइड कर जाते हैं, और जहां पर हमें इसको कैलकुलेट करना चाहिए वहां पर इसको हम एक बड़ा रिस्क मानकर अपना एक्टिविटीज चेंज कर देते हैं। अगर शॉर्ट में सोचा जाए कि रिस्क है क्या, रिस्क कुछ नहीं है। रिस्क इज जस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, इंजरी और डैमेज थ्रू एनी अनफोर्सीन इवेंट्स। हम गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, हमें पता होता है कि एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा ये सर्टेन नहीं है, फिर भी हम इंश्योरेंस कराते हैं। किसी एक साल में अगर कोई डैमेज नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर अगेन हम उसको रिन्यू कराते हैं। हम अपनी लाइफ के लिए इंश्योरेंस कवर लेते हैं, हमारी डेथ कब होगी हमें नहीं पता होता है, फिर भी हम इंश्योरेंस कवर लेते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हम रिस्क कवरेज के लिए लेते हैं। हम मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, वो भी हम इसलिए लेते हैं कि अगर कल को कोई मेडिकल एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस हमारे सामने आ जाएं, विच विल बी मच बिगर इन साइज, तो वो हमारे फाइनेंशियल हेल्थ को अफेक्ट ना कर पाए, इसलिए हमें मेडिकल इंश्योरेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो रिस्क इज देयर इन एवरी फेज ऑफ लाइफ, बट हाउ डू यू मैनेज इट, दैट मेक्स इट डिफरेंस। इन फाइनेंस रिस्क का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। रिस्क मीन्स डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ फाइनेंशियल लॉस और एनी डेविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स इज योर फाइनेंशियल रिस्क। तो अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस इन्वेस्टमेंट से आपको 12% रिटर्न मिलने वाला है या 15% रिटर्न मिलने वाला है, तो आपको ये भी एक्सपेक्ट करना होगा कि वो रिटर्न कम या ज्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क फैक्टर ऑफ दैट असेट क्लास। Higher the returns, higher will be the risk. ये कहा भी जाता है, ये हमने बहुत सारी बुक्स में सुना भी है, एंड ये नेचुरल फिनोमिना है लाइफ का कि higher the risk, higher the returns. देखिए, अगर आप देखें जिसको डेली पैसा चाहिए वो लेबर का काम करते हैं, वो डेली वेजेस का काम करते हैं। जिसको वीकली, क्वार्टरली या मंथली पैसा चाहिए वो एम्प्लॉय बन के काम करते हैं, वो जॉब करते हैं। जिनको ईयरली पैसा चाहिए वो बिजनेस करते हैं, वो ट्रेडर्स बनते हैं किसी भी कॉमोडिटीज के। जिनको पैसा लॉन्ग टर्म में चाहिए, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में, वो इन्वेस्टर्स होते हैं। और अगर आप देखें तो इन्वेस्टर्स रिस्क को कैलकुलेट करके चलते हैं, और रिस्क एक ऐसी चीज है जो टाइम फैक्टर के साथ चेंज हो जाता है। लॉन्गर द पीरियड लेसर विल बी द रिस्क, ये कहा जाता है। अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो शॉर्ट टर्म में अगर आप 1 month, 2 month, 3 months के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क विल बी हायर। अगर आप 1 year के लिए इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क विल बी कंपैरेटिवली लेसर। लेकिन अगर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपका होराइजन 8 से 10 साल का है, तो आपका जो रिस्क है इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ 10% का रह जाता है, क्योंकि 10 साल में से
एक बार ही ऐसा चांस होता है कि आपको लॉस हो सके, अदरवाइज आप 8 से 10 साल के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं तो आपको फायदा ही मिलने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला। अब रिस्क कितनी तरह के होते हैं? रिस्क होते हैं मेनली दो तरह के, एक होते हैं सिस्टेमेटिक रिस्क, एक होते हैं अनसिस्टेमेटिक रिस्क। अनसिस्टेमेटिक रिस्क ऐसे होते हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू या फिर किसी रिस्क कवरेज के थ्रू। अनसिस्टेमेटिक रिस्क आपके जो होते हैं वो इंडस्ट्री, कंपनी या इंडिविजुअल से रिलेटेड होते हैं, इसलिए आप इनको कवर कर सकते हैं। सिस्टेमेटिक रिस्क क्या होते हैं? सिस्टेमेटिक रिस्क होते हैं जो अवॉइड नहीं किए जा सकते। जैसे कोविड आया था पीछे, तो कोविड वाज अ सिस्टेमेटिक रिस्क बिकॉज नो वन कैन बी स्पेयर्ड फ्रॉम इट। तो कोई भी ऐसा रिस्क जो ग्लोबल इकोनॉमी को एज ए होल इंपैक्ट करता है, जो एक बहुत बड़े तबके को इंपैक्ट करता है, दैट इज योर सिस्टेमेटिक रिस्क। बट सिस्टेमेटिक रिस्क को आप मेजर कर सकते हैं, अनसिस्टेमेटिक रिस्क को मेजर नहीं किया जा सकता है। सिस्टेमेटिक रिस्क को मेजर करने का जो बेस्ट तरीका है वो बीटा के थ्रू कैलकुलेट आप कर सकते हैं। एवरेज मार्केट रिटर्न्स इन कंपैरिजन टू दैट असेट क्लास और स्टॉक और बॉन्ड, अगर आप ये कंपैरिजन करते हैं तो आप उस असेट क्लास का, उस स्टॉक का, उस बॉन्ड का सिस्टेमेटिक रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं कितना है। तो रिस्क की अगर बात करें, एक बहुत फेमस कोटेशन है वॉरेन बफे द फादर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, उन्होंने कहा था रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें अनसर्टेनिटी है, जिसमें आपको पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, दैट इज द ओनली रिस्क यू आर टेकिंग। अगर आपको कोई चीज के बारे में पता है कि कुछ होने वाला है, वो रिस्क आप अवॉइड कर सकते हैं, वो रिस्क आप कवर कर सकते हैं, उस रिस्क को आप मैनेज कर सकते हैं। द बेटर यू मैनेज योर रिस्क इन लाइफ, द बेटर रिटर्न्स यू विल गेट इन योर लाइफ। सो इसलिए रिस्क के फैक्टर को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड वी विल कीप कमिंग विद सच नाइस कॉन्सेप्ट्स ऑन स्टॉक मार्केट टुडे। सब्सक्राइब टू अवर चैनल, शेयर इट एंड सेंड ए मैसेज थ्रू योर फीडबैक। थैंक यू वेरी मच।